हाय, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। एंड आज मैं आपको इस पल्सर NS200 का ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा और लॉन्ग टर्म रिव्यू बताऊंगा। एंड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, इस बाइक का मैं आपको टोटल ऑनेस्ट रिव्यू बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स। एंड आप इस बाइक को आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि बाइक की मैं फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट कर रहा हूँ पल्सर NS200 बाइक के साथ, जो कि मेरी पर्सनल बाइक है। और इसको मैंने 2 साल राइड किया, 2018 का ये मॉडल है। तो इसके बारे में सारा कुछ हमें बताना है आपको, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और प्रोज एंड कॉन्स, सारा कुछ प्रोज एंड कॉन्स मैं इस पे एक्सप्लेन करूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द टेक्निकल ज्ञान। So guys, let me tell you something about the brief this bike. Let me start. Now you can see. Guys, इसका साउंड बहुत ही बढ़िया है। ये बाइक हमारी स्टार्ट कंडीशन में है। And let me tell you everything about this bike. This bike is Pulsar NS200, 200cc, 199cc model. And its main highlight is 6 gears, which is especially good for me. And इसके पहले फ्रेंड्स मैंने हॉर्नेट को परचेज करने का प्लान किया था, बट मैंने जब इस बाइक में देखा हॉर्नेट में मेरे को 160cc नहीं चाहिए और एज वेल एज उसमें 5 gears थे ओनली, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे 200cc चाहिए एंड 5 gear मैं नहीं लूँगा, मेरे को 6 gear ही चाहिए। प्रीवियसली मैं 4 gears की बाइक को राइड करता था, पैशन थी, पैशन प्लस को, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बाइक को ही लूँगा। एंड वेल फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा इस बाइक की राइड एंड कम्फर्ट की, किस तरह की राइड का राइड एक्सपीरियंस आपको मिलता है और किस तरह का कंफर्ट जोन आपको इस बाइक में प्रोवाइड होता है। आई'd लाइक टू से सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड साउंड बिकॉज समथिंग वेडिंग सेरेमनी इज गोइंग ऑन, सो ये हल्का सा डिस्टर्बेंस है, सो होप यू अंडरस्टैंड। एंड फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इस बाइक की राइड क्वालिटी और कम्फर्ट के बारे में बात करूँ, तो जो इसकी फ्रंट राइडर के लिए सीट है बहुत ही स्पेसिफिकली बहुत ही कम्फर्टेबल है, क्योंकि ये सीट लॉन्ग प्रोवाइड करता है और लॉन्ग सीट की वजह से मैं आपको शो कर सकता हूँ कि लॉन्ग सीट की वजह से आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट मिलता है। अगर आप काफ़ी मैक्सिमम किलोमीटर्स तक आपको राइड करनी है तो बहुत ही आपके लिए इजीली वो आपको जो सीटिंग कंफर्ट है बहुत ही अच्छा मिलता है। और अगर बात करूँ राइड क्वालिटी की और एक्सेलरेशन की, तो बहुत ही अच्छा एक्सेलरेशन आपको प्रोवाइड होता है। अगर कंपनी के क्लेम की बात करूँ तो 3 सेकंड्स में ये बाइक आपको 60 स्पीड प्रोवाइड करती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर बात करूँ 9 सेकंड्स में इसका एक्सेलरेशन 100 तक आपको रीच करा देता है। मैक्सिमम स्पीड इसकी अप्रोक्सीमेटली 150 तक जाती है, जिससे आप अगर आप राइड करना सकते, इवन ड्यूक एवं KTM की भी स्पीड मैक्सिमम इतनी नहीं है, इवन 10 से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कमी मिलती है इसमें। एंड गाइस, बात करूँ फ्यूल इकोनॉमी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूल इकोनॉमी। एंड फ्रेंड्स, आप जानते हैं 2018 वाले मॉडल में आपको कार्बोरेटर ही प्रोवाइड होता था, फ्यूल इंजेक्टर नहीं, बट स्पाइट ऑफ दैट आपको इसमें अच्छी खासी फ्यूल इकोनॉमी प्रोवाइड होती है। आपको इस बाइक में 40 to 45 एज पर योर राइडिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके टायर की, किस कंपनी के टायर प्रोवाइडेड है, बजाज के द्वारा। गाइस, बात करें इसके टायर की, तो कंपनी आपको MRF टायर प्रोवाइड करती है। रोड साइड थोड़ा खराब भी है, क्योंकि जो यहाँ पे आपका मोनोशॉक शॉकअप दिया हुआ है, तो इजीली उसको ये एडजस्ट कर लेता है और राइडर को किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रेन या स्ट्रेस टाइप का फील नहीं होता है और हैप्पी जर्नी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी हमें MRF का टायर दोनों साइड में मिल जाता है। पुरानी प्रीवियस कुछ 2018 की बाइक्स में यूरो ग्रिप का टायर एक मिलता है और एक MRF का, या दोनों ही यूरो ग्रिप के मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए किसी भी बाइक में, तो स्टेबिलिटी बहुत ही मैटर करती है। तो बाइक का जो रियर साइड टायर है, आप इसको देख सकते हैं, मैं जूम इन करके आपको शो कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये टायर है और इसकी विड्थ काफ़ी बहुत अच्छी विड्थ है।
और ये रोग साइड पे आपको अच्छी ग्रिप देता है, और अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली आपको कंफर्टेबल होता है। एंट्रेंस बात करूं इसमें एग्जॉस्ट की, तो काफ़ी लोगों ने इसमें मेंशन किया है कि इसका एग्जॉस्ट कहाँ है, पहले तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन इसका एग्जॉस्ट इसके अंडर में अंडर द बैली है। बट अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो कुछ लोगों ने कंप्लेन करी कि एग्जॉस्ट की वजह से वो अपील नहीं आता, एग्जॉस्ट बाहर दिखता नहीं, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल व्यू की बात करूँ तो एग्जॉस्ट की वजह से मुझे बहुत ईजी होता है, ताकि वो एक्स्ट्रा दिखता है मेरे को। एंड हाँ, हालांकि कौन सा है कि स्पीड ब्रेकर में आपको प्रॉब्लम होती है, अगर ज़्यादा हाइट वाले स्पीड ब्रेकर हैं वहाँ आपको प्रॉब्लम होती है, बट ये कंपनी द्वारा किया गया है उसका एक रीज़न है फ्रेंड्स, एंड दैट रीज़न इज कि अगर आप बाइक को फुल कैरी कराना चाहते हैं तो इजीली आप कैरी कर सकते हैं, नो इशू ऑफ एग्जॉस्ट एंड नथिंग एल्स। एंड फ्रेंड्स, अगर बात करूं पर्सनल व्यू की, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस बाइक को लेने का कुछ वैलिड रीज़न है, वो है सिक्स गियर, टॉप प्रायोरिटी सिक्स गियर, क्योंकि मैक्सिमम बाइक्स जो है सिक्स गियर के साथ बहुत ही कम बाइक्स आ रही थी, तो 2018 में मैंने इसको सिक्स गियर की वजह से लिया, और सिक्स गियर बहुत ही यूज़फुल है। जब आप हाईवे पे जाते हो फाइव गियर के बाद ऐसा कुछ लगता है कि सिक्स गियर होना चाहिए, या कि इसकी स्पीड थोड़ा फ्री नहीं है गाड़ी, तो सिक्स गियर। एंड अदर देन दैट 160 में आपको जो है वो फील नहीं आने वाला है जो कि आपको 200 सीसी में प्रोवाइड होता है। एंड फ्रेंड्स, बात करें इसके हेडलैम्प की, फ्रेंड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द हेडलैम्प ऑफ एनी बाइक, इफ देर इज एनी बाइक, तो ये कौन सा है पल्सर में, अगर हम 1,00,000 के ऊपर की बाइक ले रहे हैं तो इसमें एटलीस्ट आपको हाइलोजन लैम्प्स प्रोवाइड करा है, तो एटलीस्ट आपको जो है इसमें कम से कम प्रोजेक्टर लैम्प तो प्रोवाइड करना ही चाहिए था। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इस बाइक की परचेज प्राइस की, तो जब मैंने इसको 2018 में परचेज किया था तो इसका कॉस्ट 1,13,000 रुपीज़ मेरे को ये प्राइस पड़ी थी आफ्टर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी ब्रेकिंग की, तो फ्रंट में आते हैं, बात करते हैं इसकी फ्रंट डिस्क ब्रेक की, जो कि बहुत ही अच्छी आपको ग्रिप प्रोवाइड करता है, और इस डिस्क ब्रेक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, अगर आप दोनों ब्रेक को एक साथ में यूज़ करते हैं, बट कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड, तो कॉम्बिनेशन अच्छा है तो ये डिस्क ब्रेक आपको बहुत ही अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है, और बहुत ही अच्छी स्टेबलाइजेशन आपको मिलती है, और ये ऑन द स्पॉट आपको स्टॉप कर देता है। अगर बात करें ABS की, तो इस बाइक में ABS नहीं प्रोवाइडेड है, अदरवाइज कॉस्ट भी बढ़ जाती है, एंड उस समय RS में ABS प्रोवाइडेड था, सिंगल चैनल ABS प्रोवाइडेड था, बट इसमें सिंगल चैनल ABS भी नहीं प्रोवाइड है, लेकिन इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही अच्छी है, और अगर आप मुझ पे बिलीव कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि ये मेरी पर्सनल बाइक है। आप हमारे चैनल में सारे रिलेटेड लैपटॉप एंड जो भी टेक से रिलेट करता है वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, और इसी तरह रिलेटेड वीडियोस या व्हीकल के या फोर व्हीलर्स या किसी भी टाइप के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बैक साइड में फ्रेंड, अगर आप फैमिली को लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ एक कॉर्न है कि आपको लेडीज के लिए कोई फुटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होता, क्योंकि ये टोटली एक नेकेड स्पोर्ट बाइक है, तो कंफर्ट तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन लेडीज या कोई भी फीमेल के लिए आपको यहाँ पे कोई फुटरेस्ट प्रोवाइड नहीं है। एंड बात करें बैक साइड में, जब राइडर आपका राइड करता है तो हार्डली एक घंटे तक आपको जो है वो इजीली बैठ पाएगा, उसके बाद उसको बहुत ही प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि उसको आगे साइड में थोड़ा बेंड होके बैठना पड़ता है, सेफ्टी रीजन से उसको आगे की तरफ बेंड होना पड़ता है, और उस पोजीशन में कुछ देर के बाद उसे प्रॉब्लम। अब मैं बात करता हूँ फ्रंट साइड राइडर की, तो फ्रंट में जब आप बैठते हो तो बहुत ही अच्छी पकड़ ये बाइक आपको प्रोवाइड करती है। मैं इसकी बात करूँ वो कैसे, टेक्निकली मैं आपको यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि इस सीट का एरिया कितना है। गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं एरिया बहुत ही ब्रॉड एरिया है सीट का, एंड अगर आप बात करें जो ये स्टेप अप सीट है, तो ये इससे अप है,
जिसकी वजह से आप पीछे की तरफ भी आपको एक ग्रिप बना रहता है एंड आगे की तरफ ये टैंक का सपोर्ट है। ये जो बीच का गैप है यहाँ पे जो राइडर है आपका फिट हो जाता है। एंड सपोज मेरे को ऐसे राइड करना है तो मैं आगे की तरफ ऐसे राइड कर रहा हूँ और मे बी कि मुझे यहाँ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा तो मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ पीछे के साइड और इस तरह से कुछ कंडीशन होने वाली है। हो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू एंड यू आर गेटिंग वॉट एवर आई एम सेइंग। वन इंटरेस्टिंग फैक्टर हियर इट इज, एंड अगर आप इस मड गार्ड को जैसे कि देख रहे हैं तो इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्क्रूज एलन फ्री स्क्रूज दो दिए हुए हैं तो यहाँ से इसको ओपन करने पे आपको एक डिफरेंट लुक मिल सकता है। बट देयर इज अ कॉन, अगर आप इसको ओपन कर देते हैं तो उसके बावजूद आप तो फिर अगर आपको कच्चे रास्तों पे जाना होगा तो बैक साइड में जो आपका राइडर है उसके ऊपर पूरा मड के छिट्टे आएंगे। तो इसको ओपन करना सही नहीं है। वैसे अगर आप एक समर सीजन में करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें इंडिकेटर्स की तो इंडिकेटर्स आपको नॉर्मल इंडिकेटर्स हैं, इसमें आपको LED टाइप इंडिकेटर्स नहीं प्रोवाइड होते हैं। अब फ्रेंड्स बात करेंगे इसके इंजन की, तो इसमें जो आपको इंजन प्रोवाइडेड है वो DTSI ट्रिपल स्पार्क इंजन है जो कि आपको बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग कंडीशन प्रोवाइड करता है एंड इसकी वजह से आपको स्टार्टिंग में कोई इश्यूज नहीं आते हैं। बट एक इसमें आप कॉन्स कह सकते हैं या प्रोस कि इसमें किक स्टार्ट प्रोवाइड नहीं है। आपको इसमें ऑटोमेटिकली आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एनी हाउ अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप इसमें किक स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड गाइज, अब बात कर लेते हैं इसके स्पीडोमीटर की, तो इसका मैं व्यू आपको करा देता हूँ। ये स्पीडोमीटर बहुत ही आपको विजिबिलिटी अच्छी प्रोवाइड करता है। जब नाइट टाइम पे आप इसको देखते हैं तो इंटरनल लाइट्स की वजह से ये इल्यूमिनेट होता रहता है। और स्पीडोमीटर में यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्पीडोमीटर प्रॉपर एनालॉग वाला है, तो यहाँ से आपको एनालॉग स्पीड का व्यू मिलता है। और यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर है, ये एंड से एफ तक का आपको प्रोवाइड होता है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डिजिटल मीटर जो कि आपको 0 किलोमीटर पर आवर शो हो रहा है, इसके जस्ट ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको इस बाइक में टाइमिंग प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे कि अभी 2:45 PM हो रहा है तो आप कहीं भी जाते हैं तो टाइम एक बहुत ही अच्छा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और उसके जस्ट बगल में लेफ्ट में आप देख सकते हैं ये आपको साइड स्टैंड का जो है सिंबल यहाँ पे आइकन दिखा रहा है कि आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, कई केसेस में अपन भूल जाते हैं कि साइड स्टैंड लगा या नहीं, तो आप इजीली उसको यहाँ पे देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी बाइक अभी तक टोटल 14,206 किलोमीटर तक मैं राइड इसे कर चुका हूँ फ्रेंड्स। एंड मैं लंबे टूर्स पर नहीं जाता हूँ, जब भी मेरे लिए यूज़फुल मेरे को टाइम कम मिलता है, इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा राइड नहीं किया है। ये दो स्विचेस आप देख रहे होंगे गाइस, ये दोनों स्विचेस से आप इसका टाइम डेट एंड सारा कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। और ये कंडीशन यहाँ पे आप इसका न्यूट्रल वगैरह देख सकते हैं, बैटरी के लिए कुछ ये और आइकन्स हैं। तो ये इसका स्पीडोमीटर था। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ RPM लिमिट का इंडिकेटर, आप यहां पे देख पा रहे होंगे। और इसके बाद इसको अगर आपका RPM लिमिट बढ़ता है तो यहां पे येलो टाइप की लाइट आती है। एंड गाइस, फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम जो है, तो यहां पे जो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स ब्रेकिंग सिस्टम है तो ये एक जो स्मॉल कंपार्टमेंट दिया है इसके इंटरनल साइड में, जब इसको ओपन किए जाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल भरा होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेकिंग के लिए। और यहाँ पे इसका लेवल इंडिकेटर है, मिनिमम यहाँ शो कर रहा है, तो जब वो आपका ऑयल खाली हो जाता है तो वहाँ पर आप उसको फिलअप करवा सकते हैं। और सेल्फ के लिए आपको ये सेपरेट स्विच है यहाँ पे, जब इसको ऑन करेंगे तभी आपका सेल्फ स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर बात करूं इसके रेडिएटर्स की तो ये आप देख सकते हैं पूरा इसका रेडिएटर्स का सेगमेंट है। यहाँ पे हॉर्न का आपका जो है अरेंजमेंट है और ये रेडिएटर्स लिक्विड कूल इंजन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट मी शो यू कि यहाँ पे जो आपका लिक्विड कूलिंग यहाँ पे फील्ड है तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का लिक्विड कूलिंग फिलअप है। और यहाँ से आपका एक्सीलरेशन का एक स्क्रू है जिससे आप इसका एक्सीलरेशन और एक्सीलरेटर का स्पीड जो है चेक कर सकते हैं और उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। जो स्विच आप देख रहे हैं वो आपके फ्यूलिंग के लिए है, फ्यूल को आप रिजर्व और मेन पे इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लेग गार्ड्स जो आप देख रहे हैं
ये बहुत ही स्मॉल लेग गार्ड्स दिए हैं, बट फ्रेंड्स गिरने की कंडीशन में ये लेग गार्ड्स आपको टोटली प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपका कोई मेजर एक्सीडेंट, भगवान न करे कि किसी का मेजर एक्सीडेंट हो, लेकिन स्मॉल वे में अगर आप इजीली आपकी बाइक गिर जाती है तो आपके बाइक को ये प्रोटेक्ट करता है। एंड बात करो इसके मेन स्टैंड की, तो ये काफ़ी स्ट्रांग है, साइड स्टैंड स्ट्रांग है, लेकिन जैसे इस वेट के अकॉर्डिंग और स्ट्रांग स्टैंड यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए था पल्सर को। ओवरऑल इस बाइक के लिए थम्स अप है, और आप जाइए इस सेगमेंट में, इस प्राइस में इससे अच्छी बाइक मैं नहीं मानता हूँ कि कोई है। और दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट दिस बाइक, और मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत ही कम है। अगर आप इसको बढ़िया ढंग से यूज़ करते हैं, प्रॉपर सर्विसिंग एंड सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। Oh friends, this is very interesting and important to you, and you are getting the right information. और इस गाड़ी की build quality बहुत ही अच्छी है, और बहुत ही अच्छी braking system है। कुछ cons है, लेकिन वो बहुत ही minor cons है, और जहाँ तक कि मेरे को बहुत ही अच्छे experience मेरे को इस bike से मिला है। बात करूँ इसके major cons की, इस बाइक में आपको 2 से 3 साल के बाद इसमें बैटरी का इशू आता है, जो कि मेजर है फ्रेंड्स। एंड मैंने इसको 1-2 बार ही फील किया है, लेकिन आपको वो बैटरी रिप्लेस करानी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी मेजर मेरे को इसमें इशू अभी तक नहीं मिला है। अगर कुछ मिलता है तो आपको अगर इसमें कोई इश्यूज लगते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई आपके क्वेश्चन है, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ हमें बताएं कि इसमें क्या मुझे और मेंशन करना चाहिए। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। मे बी कि आपको व्हीकल की कैटेगरी में और बाइक्स या रिलेटेड 4-व्हीलर्स या कुछ भी रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you in the next video. Till then, bye-bye.